हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चलिए आज मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ गुड़गांव के पहाड़ों में। गुड़गांव के आउटर एरियाज में अरावली रेंज लगती है और अरावली रेंज की जो मिनी पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हम देखने गए थे। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर जाकर थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हैं, रिफ्रेशिंग फील करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। मॉनसून में जाना तो यहाँ और भी अच्छा है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मौसम बहुत सुहाना रहता है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चलती रहती हैं। आसपास में बहुत सुंदर खेत हैं और कई लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए भी आते हैं। हम लोग जब जा ही रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आदमी अपनी जो उसकी कार थी, हालांकि वो सनरूफ वाली कार नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ही कार की छत पर बैठा हुआ था, स्मोकिंग कर रहा था। देखने में ये बहुत ही गंदा लगा। मतलब आई रियली फील बैड कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं इतनी सुंदर जगहों पे और ऐसे काम करते हैं कि बच्चों को भी अच्छा ना लगे, आसपास देखने वाले लोगों को भी अच्छा ना लगे। अगर ज़रा सा भी गाड़ी उसकी हिल जाती तो वो सीधा खाई में जाके गिरता बहुत। और रास्ते में मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे यहाँ पे जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते होंगे। उनके पास ड्रोन वाला कैमरा भी था, वो लोग सिनेमैटिक फोटोग्राफी कर रहे थे। मतलब काफ़ी मुझे लोग ऐसे दिखे जिनको देखकर लग रहा था कि हाँ, प्रोफेशनल शूटिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं या फिर किसी और, मतलब किसी प्रोफेशनल पर्पस से ही शूट कर रहे थे वो लोग। यहाँ पर हम लोग 5:30 बजे के लगभग पहुँच गए थे। तो पहुँचते ही देखा हमने कि हल्की सी बारिश भी हुई है, हालांकि 4-5 मिनट ही बारिश हुई थी, बहुत हल्की हल्की, जिसकी वजह से मौसम और भी सुहाना हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मॉनसून सीज़न में जाने का यही फ़ायदा है यहाँ पर कि आपको ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, कुछ बर्ड्स वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगी। मोर भी हमने देखा यहाँ पर, बहुत सुंदर मोर था, हालाँकि मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रिसॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जिनमें लोग पार्टी कर रहे थे, चिल कर रहे थे। म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा था तो बच्चों ने भी थोड़ा डांस वांस कर लिया। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट था उसमें हम लोग बैठ गए थे, जहाँ पर स्विमिंग पूल भी था। स्विमिंग पूल के लिए पेएबल था, वो चार्जेस लग रहे थे। कुछ किड्स एक्टिविटीज़ थी वो भी चार्जेबल था। हालांकि बायोडाइवर्सिटी पार्क में एंट्री के लिए कोई फ़ी नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे बैठ के थोड़ा एक आध घंटे सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया, फ्रेश एयर ली। ऐसा लगा कि मतलब गुड़गांव में अगर हम इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में हैं, मज़ा आ गया। मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और बस फिर एक आध घंटा यहाँ बैठने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। रास्ते में मैंने देखा कि जैसे पहाड़ों पर मैगी पॉइंट या मैगी सेंटर्स बने होते हैं, चाय वाले होते हैं, सेम उसी टेस्ट की मैगी भी रास्ते में मिल रही थी। मेरी बेटी ने, हाँ उसने खाया था शायद, हाँ उसने खाया था। और हम लोगों ने मोमोज भी टेस्ट किए थे कि क्या पहाड़ जैसे मोमोज हैं। हालांकि मोमोज में वैसा टेस्ट नहीं था, लेकिन मैगी तो बिल्कुल पहाड़ों जैसी मैगी थी। और चाय भी पी हमने, बहुत अच्छा लगा। फिर 7 बजे के अराउंड हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि ये थोड़ा आइसोलेटेड एरिया है, तो यहाँ से अंधेरा होने से पहले हम लोग वापस चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं अपने चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।